गुड मॉर्निंग फ्रेंड, उसका सेकंड पार्ट बचा था तो हम स्टार्ट करते हैं एलिफेंट से। तो जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है, अभी रिसेंटली जो 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, और ये कब से कंटिन्यू स्टार्ट हुआ है, तो 2012 से स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी मौके पर जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है जो सेंसेक्स कराएंगे, एलिफेंट का और टाइगर का सेंसेस कराएंगे, वो एक साथ कराएंगे, दोनों का सेंसेस एक साथ कराएंगे, जो अनकमिंग जो सेंसेस आने वाला है उन दोनों का। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या है एलिफेंट के बारे में और टाइगर के बारे में अलग से। जो एलिफेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है एशियन, एक होता है अफ्रीकन एलिफेंट। जो अफ्रीकन एशियन एलिफेंट होता है उसकी 3 सब स्पीसीज होती हैं, लाइक इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन, 3 टाइप की उसकी स्पीसीज होती हैं। जो ग्लोबल पॉपुलेशन एलिफेंट की एस्टिमेट लगाया जाता है, मतलब एक तरीके से 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में कहीं ना कहीं आसपास है। अब उसमें से भी जो इंडियन सब स्पीसीज हैं, वो सबसे ज़्यादा नियर अबाउट 28,000 जो एलिफेंट हैं वो इंडिया में रहते हैं, और 25% ऑफ देम कर्नाटक। ये मान लो कि पूरे वर्ल्ड में तो 20,000 से लेके 40,000 तक हैं, उसके भी 28,000 जो हैं वो इंडिया में रहते हैं, और इस 28,000 की 25% जो एलिफेंट आपको मिलेंगे वो कर्नाटक के अंदर मिलेंगे 25%। अभी जो एशिया जो एलिफेंट है, ये एक एंडेंजर स्पीसीज़ है। जो IUCN की लिस्ट आप देखोगे तो इसमें एंडेंजर लिस्ट में ये आएगी, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में Schedule 1 में इसको रखा गया। अब आते हैं अफ्रीकन। अफ्रीकन की 2 स्पीसीज़ हैं, एशियन की 3 थी, तो अफ्रीकन की 2 हैं, एक है सवाना और दूसरा है आपका फॉरेस्ट एलिफेंट। जो इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन है वो कम से कम 4 लाख के आसपास है। कभी पूछ ले आपसे, UPSC पूछ ले कि एशिया वाली ज़्यादा है या अफ्रीका वाली ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका वाली ज़्यादा है, 4 लाख के आसपास है। अब ये वर्नेबल कैटेगरी के अंदर आता है। जो जुलाई 2020 में आपका बोस्टवाना जो अफ्रीका में विटनेस द डेथ ऑफ द 100 ऑफ द एलिफेंट, क्योंकि 2020 में आपको देखा होगा जो अफ्रीका की बोस्टवाना कंट्री है उसमें 100 एलिफेंट की डेथ हुई थी। रीज़न हो सकते हैं बहुत सारे, पोचिंग हो सकती है, लोग मार देते हैं उनके हाथी दांत के लिए मार देते हैं, हैबिटेट कम हो रहे हैं इसलिए हो जाते हैं, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो मार दिया जाता है, फिर उनकी मिसट्रीटमेंट कैप्टिटिव किया जाता है, मतलब थोड़ा प्रॉपर तरीके से उनको रखा नहीं जाता है तो उसमें उनकी डेथ हो जाती है, और फिर तो अब्यूज़ बाय एलिफेंट टूरिज्म। आपने देखा होगा कि जो टूरिज्म करते हैं कि एलिफेंट पे बैठ के उनका बहुत मतलब दुरुपयोग किया जाता है, उसे अब्यूज़ किया जाता है, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं पोचिंग को रोकने के लिए, उनके स्पेशल प्रोग्राम चलाए हैं, स्पेशली कर्नाटक गवर्नमेंट ने उनके एलिफेंट जो है रिजर्वर डिक्लेयर किया है। जैसे कर्नाटक में आपके दांदली एलिफेंट रिजर्व है, मैसूर और दांदली एलिफेंट रिजर्व है, तो ऐसे उनके एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं, और उनके लिए एरिया मतलब जैसे वो इन्वेजन स्पीसीज होती हैं, जैसे वो घास वास खाते हैं ना, जो फीड करते हैं उसके लिए मतलब उनके लिए प्रॉपर घास होती है, उस घास में भी कुछ ऐसी घास निकल जाती है इवेजन, मतलब जहरीली घास हो या फिर उन्हें अच्छी ना लगे, तो ऐसी घास एरिया को मतलब क्लीन किया गया। जैसे लेंटेना है, फिर यूपाटोरियम करके घास का नाम है, इस स्पीस को कम किया गया है, फिर जो मैन और एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके कम किया गया है, माइक प्रोग्राम चलाया गया है कि मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम चलाया गया है 2003 में इसको रोकने के लिए, तो इन सब चीज़ों पे उनको कंजर्वेशन किया गया है। इवन आपका महोतू द पीपल हु वर्क विद राइड, मतलब उसके ऊपर बैठता है उसे महोतू बोलते हैं, जो हाथी को चलाता है महावत हाथी को बोलते हैं या महोतू बोलते हैं, मतलब फैमिली उनके साथ मिलकर वेलफेयर प्रोग्राम चलाए हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारे, तो ये सब काम गवर्नमेंट ने किए हैं। अब कुछ डाटा एनालिसिस करते हैं। असम अकाउंट हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कैजुअल्टी, अभी असम में रिसेंटली हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअल्टी देखी गई है एलिफेंट की, नियर अबाउट 62 एलिफेंट की डेथ हुई है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में हुई है, उसके बाद उड़ीसा में हुई है, फिर उत्तर प्रदेश में सिंगल डेथ हुई है ऐसा बोला गया है इसमें। अब मेजरमेंट कुछ लिए गए हैं, जैसे परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसे कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेटिकल चेंज है, वो देखते हैं कि ट्रेन से एक्सीडेंट ना हो, तो ऐसा कॉरिडोर तैयार किया जाए कि जब एलिफेंट को उसके नीचे से निकल जाए या ऊपर से, या वहाँ से जो लाइन है वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दी जाए, तो ऐसे कुछ स्टेप लिए गए। क्योंकि मेन कारण क्या है एलिफेंट की डेथ का, वो कहीं ना कहीं इनका जो टकराव होता है, जो आपके एलिफेंट जो रेलवे लाइन होती है उससे जो रेल से टकराते हैं वो बहुत उनका मेन कारण है। कभी कभी वो उसकी जो वायर होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया वायरों का, उससे टच हो जाती है उनको मतलब, तो उससे डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं।
फिर नेशनल हेरिटेज एनिमल 2010 में कंसिडर किया गया वर्नेबल इकोलॉजिकल सर्विसेज बाय द स्पेसीज। तो ये सब एक तरीके से हेरिटेज एनिमल इसको डिक्लेयर किया गया। जो एलिफेंट है और इसको मतलब आर्किटेक्चर ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वुडलैंड इकोसिस्टम, एक तरह से कीटोन स्पीसीज ये है, ये आप याद रखोगे। कंसिडर नेचर ऑफ गार्डनर, तो मतलब उसके कुछ पॉलिनेशन किया गया, जर्मिनेटिंग ऑफ द सीड, कि उनको मतलब खाना भी मिल पाए, सब चीज़ उनको अच्छे खास से वहाँ पर मिल पाए। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में, इसको लेके आए थे, और जो पॉपुलेशन थी एशियन एलिफेंट की कम है, उनको बढ़ाया जाने की बात की थी। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, यानी कि दोनों स्टेट और सेंट्रल साथ मिलके काम किया, प्रोटेक्ट करना था, एड्रेस करना था जो भी इशू है मैन और एनिमल के बीच में। वेलफेयर कैप्टिव एलिफेंट प्रोग्राम चलाने थे। इम्प्लीमेंट किस किस स्टेट ने किया था, ये 16 स्टेट और यूटीज़ में इम्प्लीमेंट की गई थी, यानी कि पैन इंडिया नहीं थी, सब स्टेट के अंदर नहीं थी, 16 स्टेट एंड यूटीज़ को इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। एलिफेंट सेंसस लेके आए थे हम, 5 साल में किया जाता है, जैसे इंसान का तो होता है 10 साल में, टाइगर का होता है 4 साल में, और जो एलिफेंट है इनका 5 साल में किया जाता है। तो 2017 में किया गया था, अब 2022 में किया जाएगा। तो मतलब अब हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला है कि अब की बार दोनों का साथ किया जाएगा, एलिफेंट का और आपका टाइगर का, दोनों का साथ किया जाएगा। जो 2017 में सेंसस हुआ था उसमें 27,312 एलिफेंट है इंडिया के अंदर, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि कम हुए हैं, कि जो 2012 में थे उससे कुछ कम हुए हैं, ये बताया गया। हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है, आपके कर्नाटक के अंदर है, फिर आसाम, फिर केरला, ये याद रखना, कर्नाटका, आसाम और फिर केरला। अब आपको थोड़ी सी न्यूज़ बताता हूँ, दोनों का साथ क्यों किया जाएगा और दोनों का साथ करने की ज़रूरत क्या है। एक तो हमारे यहाँ 2997 टाइगर है, इतने एलिफेंट हैं, थोड़े इंक्रीज़ हो गए हैं 2017 के मुकाबले, अलग अलग फिगर बता रहे हैं। तो एस्टीमेट क्या लगाया जाए कि जो कैमरा हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो 90% जो एरिया है एलिफेंट और टाइगर के, वो सिमिलर है, सेम है, जहाँ पे एलिफेंट रहते हैं वहीं पे टाइगर रहते हैं, तो 90% एरिया सेम है, तो पैसे वेस्ट क्यों करने अलग अलग करा के। तो इस वजह से जो मिनिस्ट्री ने बोला है कि दोनों का हम साथ में कराएंगे और अच्छा भी कहीं ना कहीं होगा। उसके बाद जो है 32 इंडिया में एलिफेंट रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है। द फर्स्ट जो एलिफेंट रिजर्व बना था उसका नाम मेरा आपका सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व इन